पुस्तक विमोचन एवं संगोष्ठी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जनपद बलिया के टाउन हॉल में पुस्तक विमोचन एवं संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विमोचनकर्ता अतिथि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त एवं नीरज शेखर ने किया, जिसका कार्यक्रम का विषय भोजपुरी की संवैधानिक मान्यता सवाल विमर्श एवं समाधान रहा, जो संपादक देवेंद्र नाथ तिवारी तथा अजीत दुबे की आलेखों पर आधारित रहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से भोजपुरी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व भोजपुरी सम्मेलन अजीत दुबे ने बताया कि भोजपुरी हमारी इतनी लगाव एक भाषा है, क्यों उससे हम अलग नहीं रह सकते। भोजपुरी ही हमारी आस्था विश्वास व सफलता का सुमार्ग है। सुनिए अजीत दुबे ने क्या कुछ कहा। आज भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता विषय पर समय समय पर छपे मेरे लेखों का संग्रह भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता का आज यहाँ विमोचन हुआ है। यहाँ के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त और श्री अरुणेश नीरन वरिष्ठ साहित्यकार की उपस्थिति में ये विमोचन हुआ। और इसकी खास बात यह है कि भोजपुरी की आवाज़ भोजपुरी क्षेत्र से उठनी चाहिए। तो भोजपुरी का गृह क्षेत्र, हृदय क्षेत्र बलिया, यह आवाज़ उठी है और मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही। क्या कहेंगे, कैसा पुस्तक था जिसका विमोचन हुआ और कौन किया? पुस्तक मेरे द्वारा मेरे आर्टिकल्स पर बेस्ड है, जिसका श्री देवेंद्रनाथ तिवारी ने संपादन किया है और इसका लोकार्पण किया श्री वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद और डॉक्टर अरुणेश नीरन ने। क्या महत्वपूर्ण है इस पुस्तक में? इस पुस्तक में पिछले 15 सालों में भोजपुरी की मान्यता के विषय में समय समय पर जो राष्ट्रीय अखबारों के संपादकीय पेज पर लेख छपे हैं उनका संग्रह है। और ये पुस्तक बताती है कि भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता का मेरिट क्या है। आज तक किसी भी ने संसद में ये नहीं कहने का हिम्मत दिखाया कि भोजपुरी की मान्यता नहीं मिलनी चाहिए या क्या कमजोरी है, हमारी क्या मेरिट है, लेकिन क्यों नहीं हुआ उसका विस्तृत वर्णन और कैसे होगा इस पुस्तक में लेखों के माध्यम से बताया गया है। क्या संदेश देंगे पूरे देश? नमस्कार, नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी के बाद सबसे अधिक लोग इस देश में भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुरी और हिंदी बहने हैं, लेकिन जिन सुविधाओं से भोजपुरी भाषी वंचित हैं, ये विषय है, उन सुविधाओं को भोजपुरी भाषियों को भी मिलना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो वर्तमान में लोग भोजपुरी बोलने से कतराते हैं, उनका कहना है कि मतलब बेइज्जती होती है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो खुद जीवन भर अंग्रेजी में बात किया, अंग्रेजी में लिखता था, यूनाइटेड नेशंस में अंग्रेजी की बात करता था और दिल्ली बम्बई में ही नौकरी किया। लेकिन मातृभाषा का गौरव सबसे सर्वोपरि है और हमें मातृभाषा पर गौरव होना चाहिए। लोग अंग्रेजी पढ़ें, विदेशी भाषाएं पढ़ें, लेकिन हम अपनी मातृभाषा को कैसे भूल सकते हैं। और मैं एक दो बात और कह देना चाहता हूं कि मातृभाषा और भाषा को लेकर तो जर्मनी दो एक हो गए। इस पक्ष जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों का एकीकरण हो गया।